India Boys, आपकी सोच, आपकी आवाज। बात आज होगी कांग्रेस की कला की, कांग्रेस के कोल्ड वार की, और आमने सामने होंगे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश बनाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। बात होगी आज कांग्रेस के घर के भीतर मचे सियासी घमासान की। लोकसभा चुनाव नजदीक है, मगर कांग्रेस के घर में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। अब पार्टी के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। गुटबाजी के बाद कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर उतरकर एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर इशारों इशारों में निशाना साध दिया है। इंदिरा हृदयेश ने बिना नाम लिए सीधे तौर पर कई सवाल दागे, ना सिर्फ सवाल दागे बल्कि निशाने पर जिस अंदाज में हरीश रावत को लिया, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर पार्टी में गुटबाजी हावी होगी तो फिर मिशन 2019 फतेह कैसे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह इंदिरा हृदयेश दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ हरीश रावत और किशोर उपाध्याय। ऐसे में सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में क्या वाकई में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि फिलहाल नहीं है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। पहले वो बयान सुनिए और फिर उसके बाद रुक करेंगे, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले बयान पर नजर डालिए। अगर वो ये गारंटी दे दे वो पांचों लोकसभा जिता देंगे, अगली सरकार ला देंगे, तो जो अपने रहते नहीं ला पाए वो आगे ला देंगे, उनके वादे का भरोसा कौन करेगा, ये तो बता। तो जो सत्ता प्राप्त कर चुके उनके ही नेतृत्व में तो हम 11 तक रह गए। क्या 11 तक रह गए, और ऐसे में किस किस को पेंशन नहीं दी? इंदिरा हृदयेश कहती हैं जो बोना था उसको पेंशन दे दी, अंधे को पेंशन दे दी, लूले को पेंशन दे दी, सबको पेंशन दे दी, फिर भी 11 पर रह गए, ये इंदिरा हृदयेश का कहना है। अब हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनाते हैं, बयान भी सुनिए। हमेशा की तरह उन्होंने अपने ही सदैव अंदाज में कहा कि भैया जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं, हार मेरे कहने पर हुई। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हरीश रावत। सहयोगी हैं, हम सबका आदर करते हैं, और यदि बड़े भाई से कोई शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा? ये जो इमारत होती है, अच्छी इमारत हमेशा छोटे छोटे गुटों को लेकर के ही बनती है, और सबके अपने अपने प्रभाव क्षेत्र होते हैं। आज तक के सर्वे में लोगों ने जो है कहा, 39% लोगों ने कि हम हरीश रावत को आज भी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो जनभावना क्या है वो मुख्य तत्व कारक होती है। सब हारों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, बल्कि यदि कुछ लोग कहें तो मैं 2007 के और उससे पहले भी कुछ हारें हुई होंगी, उन सबकी भी जिम्मेदारी लेने को। चलिए सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र बिष्ट जुड़े हुए हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ साथ दीप वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीप वोरा साहब आपके पास आएंगे। दीप भाई कैसे हैं आप? ठीक तिलक भाई, नमस्कार। सर ये इंदिरा मैडम इतनी नाराज क्यों है, वजह बताएंगे? देखिए इंदिरा जी नाराज नहीं है, बहुत ही वरिष्ठतम सदन में, अगर वर्तमान सदन की बात हो सबसे वरिष्ठ अगर कोई सदन में नेता हैं और विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं तो इंदिरा जी हैं। और इंदिरा जी ने सड़क पे नहीं, मैं आपकी रिपोर्टिंग देख रहा था, पार्टी फॉर्म में बात रखी है। अच्छा, और अच्छा। मीडिया सड़क पर हमारे अंदर हमारे लहजे में दीप बोरा साहब पड़ जाती है। सड़क पर कहने तो का मतलब ये होता है कि जब आप मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रखते हैं, पार्टी फोरम पर बात ना रख के उसे सड़क पर आकर ही कहना होता है। अब आप अपनी बात पूरी करिए तिलक भाई। तिलक भाई स्थापना दिवस के उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे सह प्रभारी भी मौजूद थे, तो पार्टी फॉर्म में और हमारे पूर्व विधायक कई थे वहाँ पे, तो उन्होंने जो बात कही होगी कोई सोच समझ के इंदिरा जी ने बात करी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब एकजुट होना होगा अगर भाजपा को हराना है, और हमें सजा मिली है, हम ये मानते हैं 11 के आंकड़े में आके पहुँचे हैं,
और भाई, एक कार्यकर्ता होने के नाते ये पीड़ा उन्होंने क्यों जाहिर की, ये नाराजगी उन्होंने क्यों जाहिर की? जी जी मैं इतना जानना चाह रहा हूं बस। देखिए देखिए, ये इंदिरा जी को कोई बात अपने जहन में होगी या कोई केंद्र की बात पता लगी होगी, हाई कमान के तरफ से कुछ इशारा हुआ होगा, तो निश्चित तौर पे उन्होंने अपनी बात राजनीतिक विधि के तरीके से कही है और पार्टी इसका संज्ञान लेगी। अगर कोई बात है तो पार्टी फॉर्म में इस बात को निपटाया भी जाएगा। दीप भाई, एक बार फिर से मैं इंदिरा हृदयेश का बयान सुनाता हूँ, ठीक है? आप इस बयान को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के बाद, मैं जानता हूं आपने कई बार सुना होगा यह बयान, एक बार फिर से सुनिए और फिर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सुनिए जरा इंदिरा हृदयेश का बयान। अगर वो ये गारंटी दे दे वो पांचों लोकसभा जिता देंगे, अगली सरकार ला देंगे, तो जो अपने रहते नहीं ला पाए वो आगे ला देंगे, उनके वादे का भरोसा कौन करेगा, ये तो बता। तो जो सत्ता प्राप्त कर चुके उनके ही नेतृत्व में तो हम 11 तक रह गए। सीधा दीप भाई आप समझाइए, 11 रह गए भैया उनके नेतृत्व में। अब इसके आगे का बयान मैं समय के साथ सुना नहीं पा रहा हूं आपको, आप जानते हैं कौन कौन सी पेंशन बांटी गई, आप समझ रहे हैं ना जो बातें उन्होंने कही, और उसके बावजूद आप 11 पर रह गए। साहब सीधा बताइए ना, सुमित हृदयेश हार गए इस वजह से इंदिरा हृदयेश गुस्से में है, आप बार बार घुमा रहे हैं बात को। देखिए निश्चित तौर पे सुमित हृदयेश जी जिस तरह वहां पे जीतते जीतते रह गए और वोट परसेंटेज भी उनको अच्छा खासा पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ पार्टी फॉर्म में ही लिखित में कहा था कि इन लोगों की वजह से हमारा वोट डाइवर्ट हुआ है, उनको निष्कासित भी किया गया है, और उसी के परिपेक्ष में कुछ प्रेस भी हुई और दूसरे संवाद नेताओं ने करे, तो ये लाजमी है कि ये बात उठनी थी। और मीडिया भी ठीक बोल रही है कि अगर आप मीडिया के आगे बात रखेंगे तो मीडिया जरूर कटाक्ष भी करेगी और आपसे उसके आगे के सवाल भी पूछेगी। अब सीधी सी बात यह है, अगर आप मेरे से सीधे शब्दों में पूछना चाहते हैं, हमने काम किया, चाहे हमने पेंशन बांटी, चाहे हरीश रावत जी की सरकार कांग्रेस सरकार ने बांटी, लेकिन हम रह गए, और ये विजन होना चाहिए, पार्टी में बात होनी चाहिए कि हम क्यों हार गए, ऐसी क्या संगठन में कमजोरी थी या सरकार में कमजोरी थी। तो ये एक कई पहलू हैं जिसकी बात पार्टी फॉर्म में अब होनी चाहिए। और आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है कि अगर इतनी पेंशन और इतना अगर हमने काम किया, हम क्यों हारे हैं, तो निश्चित तौर पे इसे पार्टी फॉर्म केंद्र नेतृत्व को आगे आके इसको सुलझाना चाहिए। साहब, विधानसभा चुनाव बीते हुए बहुत लंबा अरसा हो गया, अब सीधा बताइए कि इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत के बीच में जो सियासी लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए आप लोगों को लगता है कि पांचों सीटों पर इनको चुनाव हरा पाएंगे बीजेपी वालों को? देखिए अगर हरीश रावत जी ने कोई बात केंद्र में हमारी AICC में रखी है कि मैं हारने की जिम्मेवारी भी लेता हूं और आगे जिताने की भी जिम्मेवारी लेता हूं, और उसके बाद कि आप मुझे एक मौका और दीजिए, उसी परिप्रेक्ष्य में इंदिरा जी ने यह बात रखी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी है और मान्य आदरणीय अध्यक्ष अब प्रीतम सिंह जी हैं, आप घुमा रहे हैं, नेतृत्व है, आप घुमा रहे हैं। देवेंद्र मिश्रा, आपके यहाँ कभी ऐसा होता है? गुरेज हो सकती है। आपके यहाँ कभी ऐसा होता है कि नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री को आंखें दिखाए, ऐसा कभी हुआ है? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिश जी, जी हमारे बारे में आपको स्वयं विदित है और मालूम हुआ कि भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में अगर सबसे अनुशासित पार्टी के रूप में किसी पार्टी को जाना जाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और इससे अतिरिक्त इस विषय में मैं क्या कहूँ, हमारे अनुशासन को लेके आप समय समय पर डिबेट में हमें बुलाते भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल का अनुशासन उसकी नींव होती है। यदि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अनुशासित नहीं होंगे तो वो जनता के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालते हैं वो अभी आप सब देख रहे थे, पूरा देश देख रहा, प्रदेश देख रहा। निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके
और बड़ी दिलो जान किसी भी राजनीतिक दल के हों मेहनत करके अपने नेताओं को स्थापित करते हैं, और वह जब राजनेता इस तरह की गलत बयानबाजी करते हैं तो उससे कहीं ना अनुतोकत्व नुकसान उस आम कार्यकर्ता के मनोबल का होता है। जिस झंझावत में आज कांग्रेस जूझ रही है उसके जिम्मेदार कांग्रेस के ये स्थापित नेता हैं जिन्हें आम कार्यकर्ताओं ने स्थापित करके वहां तक पहुंचाया। और वैसे तो इनका ये अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अपने अपने घर है, परंतु जब गुस्सा छलक के बाहर आ जाता है, जो घर की बात बाहर निकल जाती है तो वह आम बात बन जाती है। पहले तो मैं इतना कहूंगा कि इसे ये जब आम बात बन गई तो उसे घर की बात ना कहें, क्योंकि अब ये आम बात बन चुकी है। जब आम बात बन जाती है तो उस पर टीका टिप्पणी चलती है। तो कहीं ना कहीं इस विषय में कांग्रेस के दोनों जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उन्हें विचार करना होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी से यदि कोई सलाह मांगेंगे तो देंगे। अच्छा अच्छा, वो वाली सलाह दे दीजिए इनको, बिश्ती वो वाली सलाह दे दीजिए, जैसे आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री को देते हैं। मुख्यमंत्री जी को लेकर डोईवाला को लेकर बवाल हो जाता है, बताइए कैसे सेटल करते हैं आप लोग। इनको थोड़ा दीजिए ना सर पाठ। वो तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के फोरम में अनुशासन आम कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक है। आपको मालूम होगा कि यदि जब अनुशासन का डंडा चलता है और हमारे वहां शीर्षस्थ नेता भी मिनट से पहले देर नहीं आपके लगती अनुशासन के किससे सुनाऊंगा ना, दिक्कत हो जाएगी सर। सर इतनी बड़ी गलती उतना ही सर, पार्टी कार्यालय से पैसे गायब होने का मामला हो या फिर कार्यकर्ताओं का आकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तोड़फोड़ करना हो, दीप बोरा याद नहीं दिला रहे क्योंकि उनकी पार्टी प्रदेश कार्यालय में भी ऐसा होता है। अनुशासन के तो कई किस्से हैं सर, आपकी पार्टी के खिलाफ बागी होकर नेता चुनाव लड़ते हैं और फिर वापिस उनको पार्टी में ले लेते हैं। एक सेकंड में दो बयान सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं चर्चा को शुरू करते हैं आगे। जरा ये दो बयान सुनाइए, एक तरफ हरीश रावत गुट और दूसरी तरफ इंदिरा हृदयेश गुट, सुनाइए जरा ये बयान। और जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन तमाम प्रकार की जनहित में योजनाओं को लागू करने के बावजूद भी, तमाम प्रकार की पेंशन लागू करने के बाद भी हमारी स्थिति 11 सीटों पर आ गई, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ गुटबाजी को खत्म करने की आवश्यकता है। और इंदिरा जी के बयान को गंभीरता से संगठन को और पूरी पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व को लेना चाहिए। तो इंदिरा जी को भूलना नहीं चाहिए कि वो सेकंड टू सीएम सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थी, उनका उस सरकार में क्या रोल रहा और उन्होंने कितनी कोशिश करी उस सरकार में जो दल बदल था उसको बचाने की। और जिस प्रकार से हरीश रावत जी हैं, उनका योगदान इस उत्तराखंड की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई भुला नहीं सकता। जिस वक्त सन 2000 में हमारा एक भी विधायक नहीं था और कांग्रेस 14 साल का वनवास इस प्रदेश में काट रही थी, उन्होंने रात दिन दौड़ भाग करके पहाड़ों में, कंदराओं में, गाड़ में, गधेरे में जाकर के कांग्रेस को मजबूत किया और सन 2002 में एक मजबूत सरकार, कांग्रेस की पहली चुनी हुई सरकार, निर्वाचित सरकार इस प्रदेश को दी। वो हरीश रावत जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद भी घायल होने के उपरांत उन्होंने जिस तरीके से केदारनाथ की आपदा में इस प्रदेश को उबारा है, वो माननीय हरीश रावत। चलिए सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। एक तरफ खजान पांडे थे जो कि पक्ष ले रहे थे हरीश रावत का, और दूसरी तरफ हेमंत साहू थे जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, वो इंदिरा हृदयेश का पक्ष ले रहे थे। सीधा रुक करते हैं इस वक्त, दीपोरा हमारे साथ जुड़े। दीपोरा, आप सीधी सीधी बात करिए सर, घुमा के बहुत हो गया, अब सीधा बताइए आप कौन से गुट में है। देखिए मैं तो कांग्रेस का आदमी हूं और कांग्रेस के ही राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी। अच्छा। आज के जो हमारे वर्तमान केंद्र के नेता हैं, मैं उन्हीं का अनुयायी हूं। मैं दूसरी बात यह है, ये आपको जब दल बदल हुआ था ये आपको दिख भी गया था कि कौन किधर था और कौन किधर था। देखिए ज्यादा भाजपा के लोग और मेरे मित्र हमारे मामले में चटकारे ना ले, आपने प्रश्न किया चाहे संजय गुप्ता जी हों डॉक्टर हरीश रावत जी हों, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को।
आपके कार्यकर्ता दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चर्चा हुई है उस पर तो एक आधा मिनट मेरे को बोलने दीजिए। तो भाजपा वाले चटकारे ना लें, अगर फेयर लिस्ट लंबी हो गई तो कितनी अनुशासित पार्टी है वो मैं बता दूंगा। लेकिन आपने मुद्दा आज ये रखा है, हरीश रावत जी और इंदिरा जी जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं साफ साफ ये बात कह रहा हूँ, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में और संगठन बहुत मजबूती से चल रहा है और कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में दोबारा सरकार बने, और कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो टीरी लोकसभा से भी लड़ें, हरीश रावत जी जहां से लड़ना चाहें वो उनसे पार्टी पूछ के वो वहां से लड़ें, लेकिन नैनीताल से लड़ना चाहें तो इंदिरा जी ने संकेत दे दिया मजबूत करेंगे। दीपोरा साहब स्थिति ना रहे, दीपोरा साहब पर्दे के पीछे की बातें नहीं कर रहे आप, और जिस एकजुटता की बात कर रहे हैं आप कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए अपने, अगर वो लड़ना चाहें क्यों। दीपोरा वो नैनीताल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। आप इंदिरा जी जितवाएंगे उनसे बुलवाइए, अनुमोदन के लिए राहुल गांधी आप बुलवाएंगे, एक मंच पर एक साथ आपके नेता इकट्ठे नहीं होते, और आप ये कह रहे हैं एकजुटता, इंदिरा जी से बुलवाइए नैनीताल से, वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव जितवाएंगे इंदिरा देश, पूछिए जरा। देखिए हरिद्वार सीट जो है वो हरीश रावत जी की सीट है, ये तो पार्टी बताएगी ना, पार्टी हरीश रावत जी को कहां टिकट देना चाहती है। हरीश रावत जी ने ऐलान कर दिया हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष है वो अपनी बात रखेंगी, ये तो बात का मामला है। हरीश रावत जी संकेत दे रहे हैं, अच्छा बिल्कुल दे रहे हैं, नैनीताल से क्यों नहीं लड़ना चाह रहे इंदिरा जी, चुनाव लड़ा देंगे क्या? कार्यकर्ता ये कह दे, देखिए हर नेता का कार्यकर्ता जो होता है किनको, हरीश रावत जी को। देखिए नैनीताल में हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, केसी सिंह बाबा भी हैं, केसी सिंह बाबा भी, इंदिरा जी भी हैं, हमारे पास हरीश रावत जी भी हैं, हमारे पास कई युवा चेहरे हैं। दीपोरा साहब मैं बीजेपी के नहीं कह रहा हूँ, केसी सिंह बाबा दो बार के सांसद आ रहे हैं, समझ रहा हूँ सर, पहलवान भेड़ साहब वहाँ पे हैं, हमारे पास एक चेहरा नहीं है, हमारे पास काफी चेहरे हैं। बाबा के क्या इतिहास मत बताइए ना सर, मैं तो आपसे सीधा ये पूछ रहा हूँ कि भैया अब इस गुटबाजी का समाधान क्या है ये बताइए सर जी। आपके कार्यकर्ता एक इंदिरा हृदय जी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, एक हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, देखिए एक पार्टी के नारे लगाइए ना। निश्चित तौर पे हर, देखिए तिलक भाई मैं आपकी इस कथन से सहमत नहीं हूँ, हर नेता हर विधानसभा का होता है, उसके कार्यकर्ता वहाँ होते हैं, अगर वो अपने जीते हुए या पहले जो जीती हुई सीट है वहाँ के कार्यकर्ता उनके नारे लगाते हैं और साथ राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के नारे लगाते हैं तो ये कोई इसमें बुराई नहीं है, ये अच्छा। मैं समझता हूँ कि ये कार्यकर्ताओं को अपना जोश होता है, मनोबल होता है जो उसको बढ़ाता है। हरीश रावत नारों में, हरीश रावत का बयान भी सुनाया और इंदिरा देश का बयान भी सुनाया, इसे पीड़ा वाजिब लग रही है इंदिरा मैडम की। तिलक जी मैंने पूर्व में भी कहा कि ये इनका अंदरूनी मामला है, इस पर बहुत ज्यादा मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात बाहर आ गई है तो टीका टिप्पणी तब बनती भी है। हरीश रावत जी ने अपनी मंशा जाहिर करी कि वो नैनीताल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी दीप भाई कह रहे हैं कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहिए, तो जो बड़े नेता हैं उनका कथन और जो पार्टी का संगठन है उसका कथन जब मेल नहीं खाता है तो माना जाता है कि अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। गोविंद कुंजवाल जी इतना बिगड़ जाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बैकफुट पे आना पड़ता है, ये कांग्रेस का आपने पूरे प्रदेश में समाचार पत्रों के माध्यम से और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को देश को मालूम चला। अभी कुछ देर पहले जो गुटबाजी दिखाई, अभी आपने बताया कि हरीश रावत जी और किशोर उपाध्याय जी एक धड़ा बन गए हैं, प्रीतम सिंह जी और इंदिरा जी एक धड़ा बन गए हैं, इसके पहले जब सरकार थी तो हरीश रावत जी और किशोर उपाध्याय जी इन दोनों के बीच धड़ेबाजी थी, तो कांग्रेस के अंदर जो इस तरह की धड़ेबाजी गुटबाजी उसकी शिकार है कांग्रेस, कांग्रेस को उस पर ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले अपने संगठन पर ध्यान दे तब जाके वह जनता के विकास की बात करे, क्योंकि जब तक आप और आपके नेता आपके बयानबाजी अपने लिए सार्थक नहीं होगी तब तक आप जनता के लिए कोई सार्थक कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दीपोरा साहब बीजेपी वाले तो चुटकी ले रहे हैं सर, आपके घर के हालात को देखकर
आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है, सुधर जाना चाहिए? सह प्रभारी राजेश धनवानी जी वहां मौजूद थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है इसको पार्टी फॉर्म में और बात राहुल गांधी जी के समक्ष ये बात रखी जाएगी और इसका निपटारा करा जाएगा। और निश्चित तौर पे आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि सारे नेता एक जगह बैठ के राहुल गांधी जी के सामने पूरी अपनी बात रखेंगे और वहीं पर ये जो सारी चीजें निकल के आ रही है थोड़े दिन में हो जाएंगी। शिकायत करना अच्छी बात है, हरीश रावत जी की शिकायत लेकर जाएंगी वो। दीप भाई आइए जरा बयान सुनाते हैं, जयसिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरे जो बयान आए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर वो भी सुनिए। ये सिर्फ हुड्डा बल्द कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन जहां तक सवाल इंदिरा जी का है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। आप ये समझिए कि वो सबसे सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड की बीजेपी कांग्रेस की, उसके बावजूद वो न कभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन पाई न मुख्यमंत्री बन पाई, वो नंबर टू से नंबर एक तक नहीं जा पाई। और जब सन 2000 में नया स्टेट बना, उसके बाद नई कांग्रेस की यहाँ पर प्रदेश इकाई बनी, तो उस समय उनका नाम चल रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं को बनना है। तो ऐन वक्त पर जब लगभग घोषणा होने वाली थी, हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री, वो उसके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। आइए जरा बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे विधायक मुन्ना सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर जारी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सवाल इस बात का है कि लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी का क्या सवाल है, क्रेडिबल लीडरशिप है कि नहीं है। कांग्रेस के अंदर तो कौन किसका नेता है, कौन किसको नेता मानता है, हमारे तो समझ में नहीं आया है। किसी के समझ में आ रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।